खबर। सीमलवाड़ा से प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर का जिला कलेक्टर ने किया आकस्मिक निरीक्षण। 3 कार्मिकों को चार्जशीट और लाइनमैन को किया निलंबित। प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत पंचायत समिति सीमलवाड़ा की ग्राम पंचायत चारडोली और मेवड़ा में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने आकस्मिक निरीक्षण किया। चारडोली में ग्रामीणों ने विद्युत निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। बिजली की बार बार ट्रिपिंग और अघोषित बिजली कटौती, बिजली के झूलते तार समेत परिवेदनाएं रखी और क्षेत्र में जर्जर डामर सड़क को लेकर भी शिकायत रखी, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता रतन लाल कलासुआ, विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता जयेश खराड़ी और पंचायती राज का कनिष्ठ लिपिक यशवंत बंजारा को चार्जशीट देने के निर्देश दिए। लाइनमैन दिनेश बगोरा के निलंबित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया, प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर पूर्व में प्री कैंप का आयोजन किया था, लेकिन कई विभागों ने काफी लापरवाही बरती। आज लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा। सरकार की मंशा है एक ही छत के नीचे सभी विभागों से जुड़े कार्य से ग्रामीण लाभान्वित हों। कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने चिरंजीवी बीमा योजना की जानकारी देते, वंचित परिवारों को जुड़ने, विभिन्न पेंशन योजना की जानकारी देकर फायदा उठाने की अपील की। शिविर में पंचायत की ओर से आबादी पट्टे वितरित किए। बंद चल रहा है और वो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार दोनों जगह से ही बंद है। उसमें अभी प्रक्रिया ये चल रही है कि जैसे डूंगरपुर जिले की मैं बात करूँ, हमने लगभग 1,00,000 नाम हटाए हैं अभी उस लिस्ट में से, जिन लोगों ने गलत फायदा ले रहे थे या सरकारी नौकरी में आ गए उसके बाद में भी वो गेहूँ उठा रहे हैं, उन्होंने नाम नहीं हटवाया। ऐसे जो सरकारी कर्मचारी है उनसे लगभग 3 करोड़ रुपए की हमने वसूली भी की है और कई सारे लोग जिन्होंने भी पैसे जमा नहीं करवाए उनकी तनख्वाह में से भी पैसे काटे जाएंगे। तो जो लोग खाद्य सुरक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो पंचायत में आवेदन दे दें, वो आवेदन हम ले लेंगे और आने वाले समय में जैसे भी वो पोर्टल खुलेगा उस समय उनके आवेदन का हम निस्तारण कर देंगे, उनको जोड़ देंगे। जब भी राज्य सरकार से केंद्र सरकार से अनुमति आती है तो आगे उनको जोड़ा जाएगा, क्योंकि उसमें हो ही गया था कि केंद्र सरकार के नियम है कि एक फिक्स परसेंटेज, जैसे मान लीजिए कि 68% 70% जनसंख्या ही उसका लाभ ले सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगह पर यह हुआ कि एक गांव में 100 में से 70 जनों को लाभ मिलना चाहिए और कई लोगों ने अनुचित लाभ लिया तो 80-85 जनों तक वो लाभ पहुंच गए। तो जो गलत लाभ ले रहे थे उनको हटाने का काम अभी किया जा रहा है और उस पर भी काम चल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसमें आपको 5,00,000 रुपये तक का फ्री में इलाज मिलता है अपने ज़िले में, क्योंकि छोटे काश्तकार काफ़ी हैं, खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने वाले लोग काफ़ी हैं। जिले का अभी एक औसत है कि अपने ज़िले में जितनी जनसंख्या है उसके 86% लोगों को हम उसमें जोड़ चुके हैं, 13 से 14% ऐसे लोग हैं जो अभी भी उससे लाभान्वित नहीं है। तो वो लोग कृपया करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, इसका रजिस्ट्रेशन फ्री है और जो इसमें पात्रता नहीं रखता उनको 750-800 रुपये का खर्चा होगा, वो एक प्रीमियम लगता है, उससे उनको 5,00,000 रुपये तक का इलाज मिल जाएगा। इसका फ़ायदा आपका ये होगा कि जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है राजस्थान के उनमें आप जाएंगे, आपको 5,00,000 तक का इलाज फ्री में होगा, आपको अपना चिरंजीवी का रजिस्ट्रेशन दिखाना, आपको जनाधार आधार कार्ड दिखाना, उसके बाद में आपको कोई खर्चा नहीं होगा। अभी जैसे पिछली पंचायत में मैं बात कर रहा था, एक व्यक्ति है उसको आंखों संबंधी कोई समस्या हुई, तो उनको पहली चीज़ मैंने यही पूछी कि क्या आपने चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उन्होंने कहा कि सर मैंने करवा रखा है, वो उदयपुर के किसी निजी हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ऐसे केस में ये होता है कि उनके पैसे नहीं लगते, पर 750-800 रुपये हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, पूरे परिवार में अब बीमारी किसी को बता के नहीं आती है, वो आपको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, लेकिन हम हमारा कवर करा के रखें, वो रजिस्ट्रेशन हम करवा लें ताकि हमारे बच्चों को, हमारे परिवार में किसी को भी कोई बीमारी हो उसका हम फ्री में इलाज करवा सकें। ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, करवानी चाहिए और मेरा भी ये लक्ष्य है कि इस ज़िले में 100% घरों को। खबर भारतवर्ष के लिए सीमलवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान से गुणवंत कलाल की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।